पानाति पाता विर्मनि सिक्खापदिं स्मादयामि आदिन्नदाना विर्मनि सिक्खापदिं स्मादयामि कामेश मिथचार। पाली के जो शब्द हैं, जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, वो अपने आप में पूरी की पूरी डिक्शनरी होते हैं। एक एक शब्द का इतना व्यापक मीनिंग होता है, इतना ज्यादा विस्तृत और इतना ज्यादा एक्सटेंसिव होता है कि अगर आप गोता लगा जाएं उसमें तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाएं और कितने मोती इकट्ठे करना है। क्योंकि पाली एक पक्ति भाषा है, पक्ति का मतलब प्राकृतिक और नेचुरल भाषा है, अपने आप बनी है। अगर पानी चल रहा है और पानी में से आवाज आ रही है गप 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 की, तो इसको पाली में गंग कहा गया है, यानी गप गप की आवाज। और दुनिया का सारा पानी गप गप की आवाज करता है। नदियों में जो पहाड़ों पे है उसको कल कल की आवाज कह सकते हैं, मगर जो पानी नीचे आता है तो गप। या उसमें कोई अगर हम कंकड़ फेंकते हैं, कोई पत्थर मारते हैं या कोई चीज डालते हैं, तो एक साथ गप और गुप की आवाज आती है। ये जो गंग की आवाज है, गंग की आवाज पानी में आने से उस पूरे बहते पानी को गंगा कहा गया। जैसे बुद्धा कहा गया, यानी गंग का गंगा बना, वैसे ही बुद्ध का बुद्धा बना। तो गंग से गंगा बना। और जितना बहता पानी पहाड़ों से आता है नदियों में, पूरी दुनिया में पाली प्राकृतिक भाषा में उसको गंगा कहते हैं। नदी या रिवर या जो बहता हुआ पानी के जो बहुत सारे नाम हैं, दरिया है, ये सब अलग अलग भाषाओं के नाम हैं, मगर पाली प्राकृतिक भाषा में जहां पाली पैदा हुई है और बनी है जिस क्षेत्र के अंदर, वहां इसको गंगा कहा गया है। यानी दुनिया में जितना भी बहता पानी है वो पाली के हिसाब से गंगा है। और जिस क्षेत्र में पाली सबसे ज्यादा फली और फूली और बड़ी, उस पूरे क्षेत्र में चूंकि नदियों की बहार थी और वहां की जो प्रमुख नदी थी उसको बाद में गंगा ही कहने लगे, और फिर नदियों के नाम उनकी पहचान के लिए पढ़ने लगे, मगर सारी की सारी गंगा है नदी। बाद में बोलने लगे यमुना गंगा, यानी कि यमुना है तो वो गंगा है, सरस्वती है तो गंगा है, अगर जो राप्ती है तो गंगा है, यानी जितनी भी रिवर है कावेरी गंगा, तो बाद में गंगा लगेगा। और गंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रमुख नदी जो आती है वो, उसका नाम ही सिर्फ गंगा पड़ा, उसका कोई अपना नाम है नहीं। बाद में उसको भागीरथी कहने का, यानी भाग का रथ लाने वाली बोलने लगे। भाग का मतलब है हिस्सा लेके आने वाली, हिस्सा लेके आने वाली पानी की धारा बोलने लगे, गंगा बोलने लगे। मगर गंगा का मतलब यहां स्पष्ट है रिवर या नदी। आप अगर पाली में गंगा बोलेंगे इसका मतलब बहता हुआ पानी जो लगातार चलता रहता है। हर हर गंगे, हर हर गंगे को पाली में बोलते हैं प्रत्येक प्रत्येक गंगा, यानी प्रत्येक प्रत्येक नदी, यानी हर हर गंगे, ऑल द रिवर्स, सारी रिवर्स को बोलेंगे हर हर गंगे या हर हर गंगा या हर हर गंगो। गंगो नाम से एक सिटी भी है, अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में, तो गंगो नाम से एक शहर भी है, यानी गंगो, गंगा के पास में, गंगो यानी रिवर के पास में। आपने देखा होगा कार्तिक स्नान, कार्तिक स्नान जो आता है वो गढ़ गंगा भी बोलते हैं उसको, गढ़ गंगा। गढ़ का मतलब होता है गृह यानी घर, और गंगा जहां लोग गंगा पर अपना घर बना लेते हैं उस जगह को गढ़ गंगा बोलते हैं। यानी कि आप वहां अपना टेंट ले गए, अपना खाना ले गए, आपने एक झोंपड़ी वहां बना ली और 15-20 दिन वहां रहे गंगा के तट पर, और गंग के तट पर वहां आपने रहे, तो उसको गढ़ या गृह बोलते हैं। ऐसा एक गढ़ गंगा यानी गढ़ गृह उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर जिले में पड़ता है, जो हापुड़ से थोड़ा सा आगे पड़ता है, उसको गढ़ गंगा बोलते हैं। और उस मेले को बोलते हैं कार्तिक का मेला, यानी कार्तिक जो आती है, कार्तिक बोलते हैं जो इंस्टॉलेशन होता है, नक्षत्र होते हैं उनके समूह को कार्तिक बोलते हैं, और उस महीने को भी कार्तिक बोलते हैं। बाद में जब इसमें आधार है जोड़ा गया संस्कृत भाषा में, तो कार्तिक का कार्तिक किया गया और कार्तिक मेला बोला गया, यानी कार्तिक मेला बाद में आज के समय बोलते हैं, और कार्तिक जो बोलते हैं पुराने समय में। कार्तिक यानी कार्तिक का पूरा एक महीना होता है। महीना कैसा होता है? महीना होता है कि पवारना, किसान जो वो अपने सारे काम कर चुका है, किसान जितनी भी जो समर की फसल है, गर्मियों की गिमी की यानी ग्रीष्म की गर्मी की जो जितनी भी फसल है, वो सारी की सारी, सारी कसक या खेती है, खेती है जितने लोग थे वो सब निफराम हो चुके हैं, आराम कर चुके हैं, उनकी फसल उठ चुकी है, उनका सारा काम हो चुका है, और बारिश लगभग जम के हो चुकी है, वर्षावास हो चुका है खत्म,
वर्षावास के आखिरी 15 दिन बचे हैं, यानी कि जो अमावस्या आती है उस अमावस्या के बाद से कार्तिक पूर्णिमा आनी है। अमावस्या से लेके कार्तिक अमावस्या से लेके और कार्तिक पूर्णिमा के बीच का, कार्तिक अमावस्या को दीपावली होती है, वो सारे के सारे जितने भी धनतेरस यानी धान तेरस के जो जितनी भी धान है, धान तेरस पे इकट्ठे करके लोग धान को घर में पहुंचा चुके होते हैं और सारी फसल जितनी भी है वो सारी फसल लगभग अंदर जा चुकी है गर्मी की। अब लोगों के पास में 15 दिन का टाइम है क्योंकि पवारना का भी आखिरी समय है। पवारना का मैंने एक वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख सकते हैं। पवारना है जहां लोग अपनी ध्यान साधना करते हैं। पवारना का आखिरी दिन है कार्तिक पूर्णिमा को। उसके बाद भिक्कू जितने भी हैं वो सब निकल जाएंगे, भिक्कुणियां निकल जाएंगी धम्म को सिखाने के लिए, धम्म को बताने के लिए, लोगों को सदाचार के नियम बताने के लिए, आचरण के नियम बताने के लिए, मॉरलिटी के नियम बताने के लिए। तो इन 15 दिनों में लोग अपने, क्योंकि अभी अगली फसल की बुवाई स्टार्ट हुई नहीं है और पिछली सारी जो धान की फसल है धनतेरस पर वो आ चुकी है और भिक्कुओं का भी जितना भी उनको क्रियाकलाप है या जो देखभाल करनी है वो भी लगभग खत्म है। तो परिवार के परिवार अपने बैलगाड़ी लेकर, बैलगाड़ी पे अपना पूरा सामान रख कर और खाने पीने का सारा, टेंट वगैरह सारा, जो तंबू या चादर लेकर निकल जाते हैं गंग के तट पर, यानी कि गंग के गढ़ पर गृह बनाते हैं। वहां जाके वो रहते हैं, पूरा कुनबा होता है, गांव के गांव आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं, जो भाईचारा है, जो सौहार्द है वो बढ़ता है, जानकारी बढ़ती है, धर्म की जानकारी बढ़ती है, बच्चे चेंज होते हैं, माहौल बदलता है, फ्रेशनेस आती है, क्योंकि गंगा के तट पे लगातार मौसम बहुत बढ़िया रह जाता है, लोग वहाँ स्नान करते हैं, सेहत बनाते हैं और फिर कार्तिक पूर्णिमा पे उसको समापन कर कर अपने अपने घर आ जाते हैं। ये बहुत प्राचीन सभ्यता रही है भारत की सारी ही गंगाओं पर। भारत में जितनी भी गंगा है उन सभी गंगाओं के तट पर गढ़ लगते थे, गृह बनते थे सारे के सारे। ये सारी सभ्यता समण सभ्यता है, समण लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाया करते थे, बच्चे इसका इंतजार किया करते थे क्योंकि उनको पिकनिक टाइप में बहुत बढ़िया माहौल वहां खेलने के लिए मिलता था। गंगा का तट रेतीला तट, कोई गंदगी कोई मिट्टी होने की बात ही नहीं, इधर थोड़ा सा खेले उधर जाके डुबकी लगाई और बिल्कुल फ्रेश होके आ गए। खाना बहुत मजेदार लगता है, हालांकि थोड़ा सा रेत खाने में आ जाता है मगर उसका भी एक अपना टेस्ट है क्योंकि रेत से कहां तक बचेंगे, थोड़ी हवा चलेगी तो वो रेत खाने में घुल ही जाता है, फिर भी अच्छा लगता है। अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हो तो एक बार गंगा के तट पर टेंट लगाकर पिकनिक मनाइए। खास तौर से जो कार्तिक अमावस्या आती है और कार्तिक पूर्णिमा आती है उसके बीच का समय टाइम सबसे बेहतर होता है क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत बढ़िया होता है, मौसम साफ होता है, बारिश बंद हो चुकी होती है और गंगा पूरी तरह से साफ हो चुकी होती है सारी की सारी, उसमें बारिश का पानी नहीं आता और पानी उसमें लगातार निरंतर आता रहता है तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा अच्छा स्वच्छ पानी होता है। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा का इतिहास अगर आप देखेंगे तो कार्तिक पूर्णिमा का इतिहास बहुत गजब का है। 528 बीसी में उरुवेल कश्यप, जो आज के समय में जिनको कश्यप बोलते हैं वो काश्यप बोलते थे, उरुवेल कश्यप और उनके भाई दोनों ही लगभग 1000 अपने चेलों के साथ, शिष्यों के साथ, पीपल के साथ में उन्होंने भगवान बुद्ध से धम्म सीखने के लिए पवज्जा ली। उनके धम्म को सीखने में वो शामिल हो गए और अपना जो अग्निकुंड वगैरह था वो सारा का सारा उन्होंने उरुवेल जो रिवर थी, गंगा थी, उसमें फेंक दिया। उरुवेल जो निर्जना गंगा है उसमें फेंक दिया और वो शामिल हो गए। संघ बहुत बड़ा हो गया क्योंकि पके पकाए 1000 एक साथ भिक्कु वहां पहुंचे। 584 बीसी में सारिपुत्र को परिनिब्बान हुआ और परिनिब्बित हुए 584 बीसी में नाला गांव में। जो सारिपुत्र थे धम्म के सेनापति थे वो परिनिब्बित हुए, यानी कि वो अपना शरीर छोड़े उन्होंने इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन। सारनाथ का जो मूल गंध कुटी है उसमें अनागारिक जो धम्मपाल हैं जिन्होंने धम्म की शाखा को लेके आए और धम्म के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया, बहुत मेहनत की, वो 1931 में मूलगंध कुटी में धातु लेके आए
बुद्ध की धातु लेके आए और वहां मूलधन कुटी में उन्होंने स्थापित की। बुद्ध की जो धातु है, धातु का मतलब है बुद्ध के किसी शरीर के किसी हिस्से को, या जो उनके साथ में चीवर या पात्र रहता था उस किसी हिस्से को धातु बोलते हैं, यानी अस्थियों को, अवशेषों को, या जो संबंधित चीजें हैं उनको धातु बोलते हैं पाली के अंदर। अनागारिक धम्पाल श्रीलंका से आए, अनागारिक धम्पाल यूरोप के रहने वाले थे, उनका मूल यूरोप में था मगर धम्म में उनका इतना ज्यादा ध्यान चला गया कि उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने वाले को अनागारिक बोलते हैं, जो गारिक को छोड़ दे अनागारिक हो जाए, अना हो जाए, गारिक का मतलब घर होता है, गारिक से ही नागरिक बना है, यानी नाग लोगों का गारिक, नागरिक नागों का घर। अनागारिक का मतलब है बिना घर का, तो बिना घर के हो गए। वो सफेद कपड़े पहनते थे, आठों सीलों का पालन करते थे। उन्होंने 1931 में धातु लेके आए जो मूलगंध कुटी में सारनाथ में स्थापित की गई, आज भी है सारनाथ बनारस। बनारस अगर आप जाएंगे तो वहां जाके देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएंगी देखने के लिए। अवारणा का आखिरी दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा, और उसके बाद फसलों की बुवाई, जो शीतकालीन फसलें हैं, शरदकालीन फसलें हैं, जो फसलें हैं जो सर्दियों में पैदा होती हैं, उनकी बुवाई और उनका काम आरंभ हो जाता है। खेतीय लोग बाद में उनको क्षेत्रीय कहने लगे, खेतीय लोग सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जितने भी खेती हैं, जितने भी क्षेत्रीय हैं, जितने भी क्षत्रिय हैं, वो सब खेतों में अपने अपने काम में अपने अपने क्षेत्र में लग जाते हैं। क्षेत्रीय अपने क्षेत्र में बुवाई करने के लिए लग जाते हैं। शब्दसार जो गंगा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मिलते जुलते बहुत सारे शब्द यहाँ पाए जाते हैं। जैसे गंगा तो मैंने आपको बता दिया, जो रिवर होती है गंगा, गंगा तीर का मतलब है तट। गंगा तीर अगर बोलेंगे तो वो हो गया तट को बोलते हैं, यानी बैंक रिवर का जो होता है उसको गंगा तीर बोलते हैं। गंगा द्वार डेल्टा को बोलते हैं, गंगा धार गंगा की धार को बोलते हैं, गंगा पार का मतलब है दूसरा तट, गंगा स्रोत का मतलब है टोरेंट, जहां से पानी आता है उसको गंगा स्रोत बोलते हैं। गंगे का मतलब है गंगा संबंधित, अगर हम गंगे लगा देते हैं शब्द कहीं तो इसका मतलब है रिवर से संबंधित, नदी से संबंधित, गंगे हो गया। गंगे बहुत सारे शब्द हैं पाली के, जो आपको बहुत जगह जहां जहां ये रिवर जाती हैं वहां वहां आपको गंगे के नाम से बहुत सारे गांव, बहुत सारे स्थान जिनको गंगे बोलते हैं। और हर हर गंगे तो आपने सुना ही होगा, हर हर गंगे का मतलब है हर जगह पर गंगे है, गंगा है, प्रत्येक प्रत्येक गंगा है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, बहुत पुरानी सभ्यता है, समर सभ्यता है, क्योंकि नदियां तो कहीं कहीं नहीं भारत की, यहीं रहीं और लोग भी यहीं के मूल निवासी रहे, समर यहीं के लोग रहे, नदियां उनको खाना पानी देती हैं, इसलिए नदियां उनकी माँ की तरह हमेशा रही हैं और उन्होंने हमेशा माँ की तरह ही उनको पूजा है, क्योंकि वो उनके लिए संपत्ति और समृद्धि और फल फसल सब कुछ लेके आती हैं। अगर आपको याद हो तो पुराने समय में एक झगड़ा भी बताया गया है जो पानी के ऊपर हुआ था, जो आपने देखा हो भगवान बुद्ध और उनका धम्म के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू के ही समय में बताया गया है। धन्यवाद। 322 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदल कर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है।
अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम की सेवा में सहायक बने, धम आपको खूब लाभ लाभ देगा, धम आपको लाभ देगा, आप धम को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.